Hello students, let's see this question. The question says CrCl3.6H2O exists in different isomeric forms which show different colors like violet and green. This is due to char options aapko given hai. Ionization isomerism, coordination isomerism, optical isomerism and hydrate isomerism. ठीक है? तो सबसे पहले कल यहाँ पे isomerism समझते हैं. Isomerism क्या होता है? वो होते हैं जो molecular formula same होता है बट कनेक्टिविटी या फिर कॉन्फिग्रेशन ये डिफरेंट होते हैं. ठीक है? सो आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड हाइड्रेटिंग, ये तीनों क्या है आपके? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, मतलब कनेक्टिविटी का डिफरेंस है. जबकि आपका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, मतलब कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी बट आपका स्पेस में ओरिएंटेशन या कहीं के अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा. ठीक है? तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, अगर मैं इसको अरेंज कर दे, इसको मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये हो सकता है कि सी आर के साथ में एच टू ओ सारे के सारे क्या हो जाएं, अंदर चले जाएं और सारे सी एल एज एन आयन प्रेजेंट हो. ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी है. और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि क्रोमियम के साथ में एच टू ओ लेट्स से कि पांच अंदर रहे, एक सी एल अंदर रहे और आपका दो सी एल तो बाहर आए और एक हाइड्रेट आ जाए बाहर. ठीक है? तो हमें पता है कि जो हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका सब डिफरेंट कलर होते हैं. ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो बेसिकली ये जो कलर्स हैं इस कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से हैं. ये कॉम्प्लेक्स अगर आप इसको 6 के 6 H2O अंदर करते हैं तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता. बट अगर आप पॉसिबल कर लो कि इस तरीके से बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि सी आर एच टू ओ फोर अंदर हो जाए, सी एल टू अंदर हो जाए और सी एल हो जाए और दो एच टू ओ बाहर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है? होने को तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी है सी आर एच टू ओ ट्राइस सी एल ट्राइस. ठीक है? ऐसे हो जाए और तीन हाइड्रेट के फॉर्म में रहे, पॉसिबिलिटी तो ये भी है. ठीक है? सो देर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी. तो कुछ पॉसिबिलिटीज में ऐसा होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, सी में नहीं करेगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है. बट इसका ये जो कलर है, ये कलर इज बिकॉज ऑफ द इसके हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से. हमें पता है हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर्स का एक डिफरेंट कलर होता है. सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. अब इसमें देखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए आपका जो एनायन है, सिंपल एनायन है और एनायन लिगैंड है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स के अंदर वो एक्सचेंज हो सके. बट यहाँ तो H2O न्यूट्रल है तो ये आयनाइजेशन नहीं हो सकते. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने के लिए कैटायन और एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, पर इस केस में आपका अगेन वो भी पॉसिबल नहीं है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक है? इस केस में अगर मैं बोलूं तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी. ठीक है? इस केस में अगर मैं बोलूं तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी. तो इनमें से कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है अगर देखा जाएगा. सो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये हाइड्रेट्स बना सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रेट्स बना सकता है. So I hope you understood this question really very well. Thank you.